अक्षय जैन सेवा समिति द्वारा निःशुल्क सिलाई कढ़ाई ब्यूटी पार्लर शिक्षा केंद्र का उद्घाटन मुख्य अतिथि धर्मेंद्र भदौरिया व नरेंद्र गोस्वामी के आतिथ्य में फीता काटकर किया गया। सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। समिति अध्यक्ष सविता पचौरी ने कहा कि देश के विकास में पुरुष के साथ ही महिलाओं की भी बराबर की हिस्सेदारी है। उन्होंने कहा कि महिलाएं अगर स्वावलंबी बनी तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक उन्नति का आधार बन जाएंगी बल्कि उनके भीतर स्वाभिमान भी पैदा होगा। सिलाई कढ़ाई मेहंदी ब्यूटी पार्लर एक ऐसा हुनर है जिससे महिला घरेलू कामकाज के दौरान बचने वाले थोड़े से समय का सदुपयोग कर अपने और अपने परिवार का भविष्य बेहतर बना सकती हैं। इसके बाद उन्हें स्वरोजगार की तरफ ध्यान देना चाहिए। वहीं श्रीमती पचौरी ने कहा कि महिलाएं जब तक पुरुषों के बराबर प्रयास नहीं करेंगी तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। सरकार की परियोजनाओं के माध्यम से प्रत्येक महिलाओं को अपना स्वरोजगार शुरू करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगी। महिलाएं अपना स्वरोजगार की शुरुआत करें जिससे दूसरी अनेकों महिलाओं को भी रोजगार के अवसर प्राप्त हों। इस अवसर पर जय श्री गुप्ता, अरुण पचौरी, ज्योति अग्रवाल, सीमा शर्मा, प्रीति रायकवार, आशा यादव, नितिन, अनिता, साधना गोस्वामी, सीमा शर्मा, विवेक गोस्वामी, एस एम भदौरिया, अनिल जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। आज यहाँ पे सिलाई कढ़ाई मेहंदी कंप्यूटर शिक्षा इसी की ओपनिंग हुई है आज। क्या उद्देश्य रहता है जनक सेवा समिति का? लगातार 2 वर्षों से कार्य कर रही है, कई आपने कार्य किए, क्या उद्देश्य? अक्षय जन सेवा समिति का उद्देश्य तो केवल एक है कि गरीबों की हेल्प हो सके और मानवता ही एक सच्ची भाव होती है से कराए कि बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती रहे। आज के समय कोरोना काल में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पढ़ने में होशियार है लेकिन फीस नहीं है, तो ऐसे बच्चों को हम निःशुल्क कोचिंग कराएंगे और हो सकता है स्कूल में भी एडमिशन कराएं तो उनकी फीस दें। बकाया जो महिलाएं काम अपना करना चाहती हैं उनके लिए सिलाई कढ़ाई मेहंदी कोर्स करवाएंगे और कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेट देंगे और मशीन भी देंगे। अगर झांसी से यूडी न्यूज के लिए सत्येंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।